कर देना और सिंह अस्पताल दुआ मनसबदारी व्यवस्था को और क्या किया थोड़ा मजबूत किया सिंह अस्पताल और दो अस्पताल नामक प्रणाली को लाया। शाहजहां ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में ज्यादा विकास किया, स्थापत्य कला के क्षेत्र में ही उसका विकास ज्यादा था। शाहजहां का क्या इधर कोई विकास था मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में? कोई विकास प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग बाबू आज थोड़ा सा हॉल यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, इस वजह से उसी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है टाइमिंग, वरना टाइमिंग से तो बैच स्टार्ट होता था, हिस्ट्री अपने रियल टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, इतना बड़ा कोचिंग है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हॉल नंबर 4 का प्रोजेक्टर धुंधला हो गया, उसको छोड़ के आदमी नहीं बढ़ सकता, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। प्रशासन व्यवस्था के बारे में सब समझा दिए थे। घंटी किसने लगवाया था? किसने? न्याय की जंजीर था, किसने बनाया था? जहांगीर ने, जहांगीर ने लगवाया था न्याय की जंजीर। प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, किसी को दिक्कत नहीं था। चित्रकला, मुगल चित्रकला का विकास बाबर के समय से हुआ था, मुगल चित्रकला का विकास बाबर के समय हुआ। बाबर के समय में बहुत प्रसिद्ध चित्रकार जो थे उनका नाम था बेहजाद। बाबर के समय के चित्रकार का नाम बेहजाद, उन्हें राफेल कहा गया था। क्या कहा गया? राफेल। उन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? राफेल। एशिया पूर्व की ओर पड़ता है दुनिया में, उन्हें पूर्व का क्या कहा जाता है? राफेल। क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ा चित्रकार था जिसका नाम था राफेल, तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद को। किसे कहा जाता है? बेहजाद। मीर सैयद अली और समद नाम के दो चित्रकार थे, पत्रकार बोल रहे हैं, चित्रकार कैसे चित्रकार थे। किसके समय में? वो हुमायूं के समय। किसके समय? हुमायूं का। बसवंत, दसावन ये लोग जो थे, दसवंत ये लोग जो थे, ये अकबर के समय में थे। किसके समय में? अकबर के। दसवंत अकबर के समय के सबसे प्रमुख चित्रकार थे। उन्होंने खानदाने तैमूरिया नामक क्या बनाया था? चित्रकारी। अब ये लोग तैमूर के वंशज थे कि नहीं, आप एक तरह से देखेंगे तैमूर वंश का पतन हुआ, तैमूर छोटे छोटे वंशज में छूट गया, उसी तैमूर का एक टुकड़ा कौन था? मुगल, जिसकी संस्थापक कौन थे? बाबर। तो दसवंत ने क्या चित्रकारी बनाया? खानदाने तैमूरिया। कौन सी चित्रकारी? खानदाने तैमूरिया। किसके समय बनाई गई थी? अकबर के समय। किसके समय? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। भाई जहांगीर की चित्रकारी का कुछ कहना है? चित्रकारी का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के समय चित्रकारी का विकास हुआ? नहीं, बल्कि किसका विकास हुआ? स्थापत्य कला। औरंगजेब के समय चित्रकारी का विकास हुआ? ससुरे ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। औरंगजेब ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। औरंगजेब के समय चित्रकारी पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध। तो मुगल काल में जो चित्रकारी थी वो शुरुआत से ही क्या की रही थी? फल फूल रही थी। क्या कर रहे हो? काय बीच में खड़ा हो गया? एक से एक बकलोल रहता है सर। चित्रकारी का विकास किसके समय से? बाबर। किसके समय? बाबर। बाबर हो गया, बाबर। इसके समय प्रमुख चित्रकार बेहजाद। बेहजाद इन्हें पूरब का क्या कहा जाता है? पूरब का राफेल। पूरब का राफेल, और जहाज वाला मत सुन लीजिए, राफेल जो है वो क्या थे भाई? एक बहुत प्रमुख चित्रकार थे। राफेल क्या थे? बहुत प्रमुख चित्रकार थे। तो बाबर क्या था भाई? बाबर के समय बेहजाद। मीर सैयद अली समद जैसे पत्रकार किसके समय थे? हुमायूं। सैयद अली और समद के समय चित्रकार हुमायूं। हुमायूं किसके समय? हुमायूं। अकबर के समय में दसवंत, बसावन ये सब प्रमुख क्या थे? अकबर के समय के चित्रकार थे। दसवंत जो थे उनको प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के समय की सबसे प्रमुख चित्रकारी कौन थी? खानदान ए तैमूरिया। खानदान ए तैमूरिया। तैमूरिया खानदान ए तैमूरिया किसके समय बनाई गई चित्रकारी है? अकबर के समय। किसके समय की? अकबर के समय। खानदान ए तैमूरिया किसके समय की है? अकबर के समय की है चित्रकारी। किसी को कोई दिक्कत? डेसॉल्ट कंपनी का था राफेल, ये बकलोल हुआ कहीं का। लड़ाकू जहाज राफेल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां का नाम है क्या है? राफेल। अब उस तरह से आप देखेंगे तो मिसाइल का नाम इन्हें राणा प्रताप, तो क्या ये कलाम, तो अब्दुल कलाम कोई मिसाइल थोड़ा उन्हीं के नाम पर, किसी के नाम पर बनाया जा सकता है? 1 मिनट।